स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हाल ही में रायपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में वह माला सुर्खियों में रही जिसे पहनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ कांग्रेसियों का स्वागत किया था। दरअसल उस माला को सबसे ज्यादा प्रचारित भाजपाइयों ने किया। भाजपा नेताओं का कहना था कि जो माला नेताओं को पहनाई गई वह सोने की है और स्वागत में सोने की माला पहनाकर कांग्रेस ने आम जनता के पैसों की बर्बादी की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस माला को सोने का प्रचारित किया गया, दरअसल उस माला को छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की बैगा जनजाति की महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए बनाती हैं। वो माला सोने की है या किसी और चीज की, हम आपको बताने जा रहे हैं। ये माला सोने की तो नहीं है, लेकिन सोने से कम भी नहीं है, क्योंकि इसमें आदिवासियों की आस्था जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है और आदिवासी परंपरा भी जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ही अनमोल है। जो बैगा जनजाति यह माला बनाती है उन तक पहुंचना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जहां यह जनजाति रहती है वह बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों से जुड़ा है। रास्ते दुर्गम हैं, कच्चे हैं, उन तक पहुंचने के लिए आपको सड़क से कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के ऊपर कच्चे रास्ते से होकर जाना होगा, तब जाकर आप बैगा जनजाति के इन लोगों तक पहुंच पाएंगे। इस माला का एक विशेष नाम है जिसको कहते हैं वीरन। आदिवासी क्षेत्रों और जंगलों में मिलने वाली खास तरह की घास बालवीरन और पेड़ खिरसोड़ की छाल से इसको तैयार किया जाता है। आदिवासी लोग इस माला को हर किसी को ऐसे ही नहीं दे देते हैं, क्योंकि ये उनकी परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी हुई है। काफी मिन्नतों के बाद हम कुछ आदिवासी युवकों और महिलाओं को राजी कर पाए कि वो इस माला के बारे में बताएं। हम चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि यह माला बनती कैसे है और इसे क्यों बनाते हैं। उस माला की सच्चाई तलाश करने तीरंदाज की टीम कवर्धा जिले के छोटे से गांव छिंदीडी में आ पहुंची है। आप देख पाएंगे मेरे हाथ में आज मैंने इसे ही रखा है, इसका नाम बीरन है। इस बीरन माला है, इससे बैगा जनजाति की क्या क्या धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए आज हम इन्हीं बैगा जनजाति के भाइयों से पूछेंगे और समझेंगे कि आखिर इसे बनाने के पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है, इनकी आस्था क्या है और किन चीजों का इस्तेमाल इसे बनाने में कि इनके द्वारा किया जाता है। जन्म से पूरा दादा परदादा इसका उपयोग करते देखे हैं, तो हम भी इसका उपयोग करते हैं। छोटा सा घास का बनता है, फसल कटिंग होता है उससे निकाल के इसके बनाते हैं माता राम लोग, और इसके सोने जैसा हम इसका देखभाल करते हैं। पेंट नहीं किया है सर, इसको कलर ही बनता है। सुखाने के बाद इसको थोड़ा सा भिगाना पड़ता है, उसके बाद पेंट किए जैसे हो जाता है। जहाँ भी बैगा है उस एरिया में बनता है, बैगा जनजाति ही बना पाते हैं। अदर गोंद वोंद कुछ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा फर्स्ट बार में उसको छिलका को गोल गोल बनाते हैं, उसके बाद एकदम बारीक से पतला करके उसके लपेटते हैं, इसको दूसरा छिलका लगाते हैं। एक पेड़ का छिलका है, अब इसे गोल गोल बनाकर इसे फिर दूसरा ये में इसे फिर फिट करते हैं। इसका सीजन तो जैसे अपने सगा में ना वो दशहरा बोलते हैं, उस समय क्या है नाचने का समय आता है, तो वही समय बनाया जाता है। ये पेड़ तो इसे हम खिरसारी बोलते हैं, सुखाते हैं और इसी भी तरह बन जाता है, जिसे नहीं सुखाना पड़ता है। महिलाएं भी बना लेते हैं, पुरुष भी बना लेते हैं, लेकिन पुरुष नहीं बनाते हैं इसे। जैसे ना ठंड जैसे बढ़ता है उसी समय नाचते हैं। जैसे दशहरा हो जाता है उसके बाद चालू हो जाता है बैगा सगा नाचने का, जो जिसे दीपावली के बाद जिसे पहनने का इसे ए है। इसमें और एक सूती का कपड़ा रहता है, इतना एक रहता है एक फिट का,
उसे फिर लपेट कर उसे पहने जाते हैं। उसके बाद इसे फिर इधर पीछे तरफ इस तरीके से यहाँ फिर गोल गोल वो जो सूती का कपड़ा रहता है बांध देंगे। हाँ, जिसे आज हमारे गांव में कोई भी गांव का आया है तो यही गांव का फिर दूसरे गांव जाएंगे जो आया है उसी गांव में बारी बारी। हाँ 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 हाँ, मिल मिलाप। हाँ, सोने का नहीं, पेड़ का है। हमारे बीच कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आई उन्हीं से पूछते हैं कि ये माला को आप लोग बनाते किस प्रकार से। इस जब ये वीरन को बनाया जाता है तो आप लोग क्या क्या सामान का इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें बनाने के लिए लेते हैं? हम बोल थन बैगा से जात खिरसोड़ वो खराई से मुंदरी बना ले थन तहां ले फिर बाल बीरन। अच्छा, बाल बीरन ले फिर ऊपर में गूंथ थन। अच्छा, इसी में। हाँ, पहले ओइच लकड़ी लाए से घुमा के बना ले तो खर बाद फिर एक घास के जो होता है वही ला फिर ऊपर में से फिर से बनाते हैं। मतलब इसमें ये बांस का तो इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं ना आप लोग? बांस के नहीं, बांस के भी गिड़ी बन जाते हैं। बना था हम क्या चीज का? खिरसोड़ रखवा के। खिरसोड़ का? हाँ, बांस के भी बन जाते हैं। बांस का भी मतलब बनता है, लेकिन ये मेनली जो आप लोग बनाते हैं जो असली वीरन है ये निकल जा रहा है क्या? हाँ, वैसे निकल जाते। मैं बोलूंगा दिखाइए। पहले बना था गिड़ी। अच्छा, ऐसे मुंदरी बना लिया था नहीं ऊपर फिर ये लगा था। तो आप देख पाएंगे पेड़ का क्या नाम बताया जिसका छाल इसमें इस्तेमाल करते हैं? खिरसोड़ पेड़ के छाल से इसे बनाया जाता है और इसे बांधने के लिए जॉइंट करने के लिए घास का इस्तेमाल किया जाता है, घास फूस का। अच्छा, आप लोग इसका ये जब माला आप लोग बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कब इसको उपयोग करते हैं इसका? दशहरा दिवाली में होता, दिवाली में। अच्छा, दिवाली के समय। हाँ, ठंडा के समय मतलब दशहरा रहता था, दशहरा नाच जाओ चलो एक गांव ले दूसरा गांव ऐसे क्या क्या करते हैं? जिसकी कूद थन ऐसे ही लड़का रही तो ऐसे कूद थन लड़का लड़की, मतलब एक प्रकार का नाच होता है, नृत्य होता है। लड़का हो कूद थे लड़की हो नाच थन ऐसे। इसको एक बार बताएंगे क्या सिर पे रख के कैसे इसका करते थे इस्तेमाल आप लोग? ऐसे बांध लेते हैं ऐसे तो फिर नाच था। अच्छा, हाँ, एक बार लड़का रही है और लड़की रहते। आपको पता है अभी बाहर रायपुर तरफ ये बात हो रहा है कि ये जो माला है ये सोने का माला है, क्या इसमें क्या सोना का भी इस्तेमाल करते हैं क्या आप लोग? हाँ, सोना नहीं करे लड़की के अभी नचाई कुदाई जल थे नहीं, अब डोकरी तो ऐसे कर्म गवाई में रहते तो हमारे चांस नहीं है। अब ओखर भारी मेहनत लगता है, लगभग एक ठो को बनाने में कितना समय लग जाता होगा इस माला को? 2-3 दिन लग जाते हैं। ये जो वीरन माला है ये वीरन जिस चीज से बनती है जिस पेड़ से बनता है क्या नाम है भैया इसका? इसका खिरसोड़, भाई भाषा में खिरसोड़ बोला जाता है। खिरसोड़ है ये, आज हम आपको दिखा रहे हैं जिसे सोने के माला बताई जा रही है वो आखिरकार एक जो पेड़ है खिरसोड़ इस प्रकार से निकाला जाता है और इसे ही बट करके गोल गोल घुमा करके वो वीरन बनाई जाती है। इसको जैसे ऊपर पूरा एक पतला पतला है इसे छीलना पड़ता है इस तरह से पूरे का। उसके बाद छीलने के बाद इसे इस तरीके से मोड़ते हैं। अच्छा, गोल, उसके बाद उसे 2-3 बार इसे घुमाना पड़ता है इस तरीके से। ये 2 बार हुआ है, इसके 2-3-4 बार इसे घुमाना पड़ता है। उसके बाद जो वो घास का जो पतला छील कर उसे फिर ऊपर में बनाया जाता है, उस घास का क्या नाम है? बाल बीरन। तो इसी को इस प्रकार से गोल गोल घुमा करके अंगूठी नुमा आकार दिया जाता है और उस वीरन को तैयार किया जाता है और इसे जॉइंट करने के लिए बाल वीरन नाम का एक घास है जिसकी मदद से बैगा जनजाति के द्वारा ये वीरन तैयार किया जाता है। इससे इनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। ये जब दशहरा का त्यौहार आता है उसमें सभी लोग मिल करके एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल होता है, महिलाएं भी गांव के शामिल होती हैं जो भी बैगा जनजाति की हैं और उस नृत्य में हिस्सा लेते हैं। इसकी कीमत इनके नज़रों में बात करने से पता चला कि सोने चांदी से कम भी नहीं है। तीरंदाज के लिए दीपक ठाकुर के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,